हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुल पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ अशोक लेलैंड शेयर के बारे में। उसके जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट अशोक लेलैंड के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर लगभग इसने 16 नवंबर को एक हाई बनाया था लगभग 150 रुपये प्लस का, और वहां से इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आती है। और इतनी बड़ी गिरावट आती है कि 16 नवंबर से ये लगभग 6 दिसंबर तक आते आते लगभग 15-16 दिनों के अंदर ये 118 रुपये आ जाता है। तो ये सारे लेवल्स को तोड़ता हुआ चला आता है, फिर यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आती है और फिर यहाँ पे जाता है लगभग 130 रुपये के आसपास का, फिर वहां से सेलिंग आती है और फिर ये लगभग 170 रुपये के आसपास जाता है। और जैसे लास्ट मार्केट जो भी क्लोज हुई है लगभग 122 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब मुझे क्या लग रहा है इसके अंदर, मुझे लगता है एक और यहाँ पे डाउन मूव आ सकती है। तो ये यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है लगभग 120 रुपये के आसपास। तो अगर ये 120 रुपये के आसपास आ सकता है तो थोड़ा इसके अंदर आप गेम प्ले कर सकते हैं। तो अगर 120 रुपये के आसपास आता है तो 120 रुपये का इसके अंदर आप पोजिशन बना सकते हैं, और उसमें जो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है वो ये होगा। एक अच्छा खासा इसके सपोर्ट है लगभग 116 रुपये के आसपास का। तो 116 रुपये के आसपास के सपोर्ट के साथ में 120 रुपये के आसपास इसके अंदर आप पोजिशन बना सकते हैं, और ये जो भी होगा आपका शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आप इसको होल्ड नहीं कर पाएगा ये वाला स्टॉप लॉस। तो अगर मार्केट थोड़ी सी और सेलिंग में जाती है तो मुझे ये साफ साफ मेरे को दिख रहा है ये एक बार के लिए यहाँ पे रुक सकता है 114 रुपये के आसपास का। लेकिन अगर ये वाला लेवल अगर ये तोड़ता है यहाँ पे, जैसा मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, अगर ये लेवल इसको तोड़ता है फिर रिटेस्ट करने के बाद ये फिर यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ रिटेस्ट करेगा, फिर सीधा यहीं पे आएगा। तो ये ऐसे हो सकता है इसके अंदर, इसका पिक्चर ये हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेक करता है लगभग 114-115 लेवल को ब्रेक करता है, मतलब क्लोजिंग नीचे मिल जाती है इसके, तो हम क्या कर सकते हैं अपने पोजीशन को हल्का कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आपको ध्यान रहे इससे होने वाले जो भी आपके लॉस होंगे, जो भी प्रॉफिट होंगे, आपको खुद का होगा, क्योंकि जो मेरा रिसर्च है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है लगभग 114 रुपये के आसपास ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा लगभग 103 रुपये के आसपास, फिर यहाँ से थोड़े दिन यहाँ पे घूम सकता है, हो सकता है तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मेरे को नीचे जाने की चांस ज्यादा लगते हैं क्योंकि मार्केट पे भी काफी ज्यादा डाउन आ सकती है। तो उस केस में अगर ये यहाँ पे आता है लगभग 96 रुपये के आसपास आता है, तो इसको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं लगभग 96 के आसपास। और 96 के आसपास अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो ये हो जाएगा लगभग इसके नीचे लगभग 86 के आसपास। तो 86 के आसपास इसको हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं लगभग 81 के आसपास। तो ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये एक अच्छा सा इसका सपोर्ट हो जाएगा। तो 81 के स्टॉप लॉस के साथ में 896 के आसपास इसके अंदर आप पोजिशन बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो टारगेट होंगे, ये पहला टारगेट हो जाएगा ये, इसको मैं अप कर देता हूँ इसमें ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो पहला टारगेट होगा 103 रुपये का, उसका अगला टारगेट ये जो ये मैं पहले बोला था जो ब्रेक करेगा ये, तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 114 रुपये का दूसरा टारगेट होगा, अगला टारगेट होगा इसका ये 124 रुपये का, उसका अगला टारगेट होगा ये 127, फिर अगला टारगेट ये होगा 132 रुपये के आसपास। तो ये सारे मेरे टारगेट होंगे। तो सबसे एंड में मैं आपसे यही कहूंगा, एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट मेरे को दिख रहा है लगभग 80-81 रुपये के आसपास में, और हम इसके अंदर पोजीशन अगर लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहें तो 96 के इसके अंदर हम वेट कर सकते हैं, और बल्कि यहाँ से भी थोड़ा अपमूव जा सकता है लगभग 102 रुपये के आसपास से भी जा सकता है। और यहाँ से अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट कन्फ्यूजन में है, तो अभी मैं नहीं कह सकता कि इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहिए। तो मुझे अभी साफ साफ मेरे को दिख रहा है अभी एक बार इसके अंदर यहाँ से पोजीशन बनाई जा सकती है लगभग 120 रुपये के आसपास से थोड़े से मूव के लिए, और 116 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में, और फिर यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो सारे मेरे को यहीं पर आते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी रिसर्च अशोक लेलैंड शेयर के बारे में। होप ये जो भी लेवल्स मैंने आपके साथ बताया आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल भी डाला हुआ है, उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री में ऐसे टिप्स देता हूँ शेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मैं टिप्स देता हूँ वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ देता हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी ट्रेड करें वो खुद की जिम्मेदारी होगी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।